Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel, Effective English. Students, last time we had discussed about past perfect tense. In today's lecture, we will talk about past perfect continuous tense. So let's start today's video. Students, अगर बात की जाए past perfect continuous की, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं. फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है और साथ वक्त दिया गया होता है, मसलन सुबह से, शाम से, दो घंटे से. स्टूडेंट, वैसे तो रहा जो है, रही, रहे, ये कॉन्टीन्यूस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी आता है, पास्ट में भी आता है, लेकिन जब रहा के साथ था लग करके आ जाए तो इससे पता चलता है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है. और उसी रहा था के साथ जब वक्त लग करके आ जाए, सुबह से, दोपहर से, शाम से, दो घंटे से, तो इट मीन्स कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है. स्टूडेंट्स, अब हम इनकी फॉर्मेशन देख लेते हैं. फॉर्मेशन क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड और फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर और फिर टाइम. स्टूडेंट्स, सिंस या फोर का मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर फिक्स टाइम है तो उसके साथ सिंस यूज़ करते हैं, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो उसके लिए फोर यूज़ करते हैं. जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे. दो घंटे से, तीन महीने से, चार साल से, इसके लिए फोर यूज़ किया जाएगा. तो अब सेंटेंसेस बनाते हैं वन बाय वन, इससे आपको बेहतर से पता चलेगा. तुम तीन दिन से मज़मून लिख रहे थे. कौन मज़मून लिख रहा था? तुम. सबसे पहले तुम की इंग्लिश यू. अब स्टूडेंट, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? हैड. और हैड के साथ क्या लगना है? बीन. यू हैड बीन. लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट. राइट की आईएनजी फॉर्म राइटिंग. यू हैड बीन राइटिंग. क्या लिख रहे थे? एसे. यू हैड बीन राइटिंग एसे. कितनी देर से लिख रहे थे? तीन दिन से. अब स्टूडेंट, ये तीन दिन क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है. तो क्या आएगा? फोर थ्री डेज, इस तरीके से, और लास्ट में फुल स्टॉप. गीदड़ सुबह से चीख रहे थे. कौन चीख रहा था? गीदड़. तो गीदड़ की इंग्लिश क्या होती है? जैकल्स. जैकल्स. और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैड. जैकल्स हैड बीन. चीखने की इंग्लिश होती है हाउल. आईएनजी फॉर्म लगेगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी? हाउलिंग. जैकल्स हैड बीन हाउलिंग. कब से? सुबह से. फिक्स टाइम है? सिंस मॉर्निंग. इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. आप मार्च से चीनी का कारोबार कर रहे थे. कौन चीनी का कारोबार कर रहा है? आप. आपकी इंग्लिश यू. अब यू आ गया स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आना है. यू हैड बीन चीनी का कारोबार, डील इन शुगर, तो डीलिंग. यू हैड बीन डीलिंग इन शुगर. कब से? मार्च से. फिक्स टाइम है, सिंस मार्च. इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप. मैं दोपहर से आपका इंतज़ार कर रहा था. कौन इंतज़ार कर रहा था? मैं. आई हैड बीन, इंतज़ार करना वेट. आई हैड बीन वेटिंग, किसका? आपका. वेटिंग फॉर यू. कब से? दोपहर से. सिंस नून. अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेस. अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो उसमें क्या चीज़ की जाती है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड और बीन के दरमियान में नॉट आ जाता है और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस या फोर और फिर टाइम. इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेज की फॉर्मेशन बनाई, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंसेज की फॉर्मेशन है, इस तरीके से इनको बनाते हैं. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. परिंदे दो दिन से हवा में नहीं उड़ रहे थे. कौन नहीं उड़े थे? परिंदे. तो परिंदे ज़्यादा हैं, बर्ड्स. बर्ड्स हैड नॉट, और उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट बीन. हैड नॉट बीन फ्लाइंग, उड़ना. फ्लाई की आईएनजी फॉर्म. बर्ड्स हैड नॉट बीन फ्लाइंग कितने दिन से? दो दिन से. फोर, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, फोर टू डेज. अगर फिक्स टाइम होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते? सिंस. वो एक साल से ये अस्पताल तमीर नहीं कर रहा था. कौन वो? ही आ गया. ही हैड नॉट बीन
तामीर करना बिल्ड, तो बिल्ड की आईएनजी फॉर्म बिल्डिंग, ही हैड नॉट बीन बिल्डिंग दिस हॉस्पिटल, ये अस्पताल, दिस हॉस्पिटल कितनी देर से, एक साल से, फॉर वन ईयर, क्योंकि स्टूडेंट ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है, तो इसलिए ही हैड नॉट बीन बिल्डिंग दिस हॉस्पिटल फॉर वन ईयर, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनको कैसे बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं कि इनको किस तरीके से बनाया जाता है। अगर बात की जाए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा। अगर सेंटेंस में क्यों, कहाँ, कैसे, कब के अल्फाज आते हैं तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट सिंस या फॉर और फिर टाइम। सिंस लगता है फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर लगता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स के WH फैमिली वर्ड के बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट और फिर बीन। इंटरोगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट के बाद बीन आता था। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम के लिए सिंस या फोर। इस तरीके से हम इन्हें बनाते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनकी वन बाय वन, उससे आपको बेहतर से पता चलेगा। क्या वो दो घंटे से किताब पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया, इसका मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है। अब दूसरा काम यह है कि आप देखें क्या WH फैमिली वर्ड कोई आया है, तो WH फैमिली वर्ड भी नहीं आया, तो हम इसको बनाएंगे। क्या वो दो घंटे से किताब पढ़ रहा था, हैड ही बीन रीडिंग, पढ़ना रीड, हैड ही बीन रीडिंग क्या अ बुक, कब से पढ़ रहा था, हैड ही बीन रीडिंग अ बुक, कितनी देर से, दो घंटे से। अब स्टूडेंट ये दो घंटे क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि इतना वक्त गुजर गया, कितना, दो घंटे, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, फोर, फोर टू आवर्स। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या हम 1980 से इस कॉलेज में पढ़ रहे थे, अब स्टूडेंट क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव है, नहीं आया, इसका मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, और WH फैमिली वर्ड भी कोई नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे हैड, हम के लिए हुई, हैड हुई बीन पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, स्कूल में पढ़ना, स्टडिंग, हैड वी बीन स्टडिंग इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, हैड वी बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, कब से पढ़ रहे थे स्टूडेंट, 1980 से, हैड वी बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, अब 1980 एक फिक्स टाइम है, सिंस 1980, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सेंटेंस की, क्या लड़कियां 5 बजे से गीत नहीं गा रही थी, क्या लड़कियां 5 बजे से गीत नहीं गा रही थी, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव है, और WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो स्टार्ट करेंगे हैड द गर्ल्स, और गर्ल्स के फौरन बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नॉट, हैड द गर्ल्स नॉट बीन सिंगिंग, क्या चीज, गाने, सिंगिंग सॉन्ग्स, हैड द गर्ल नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, कब से नहीं गा रही थी, 5 बजे से। अब 5 बजे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, लिहाजा सिंस, सिंस 5 o'clock, तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और ये आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो 2 दिन से खरात नहीं दे रहा था, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव है, क्या वो 2 दिन से खरात नहीं दे रहा था, और WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो हैड वो रहा था, एक सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए ही यूज होगा, लड़के की बात हो रही है, हैड ही नॉट बीन गिविंग आर्म्स, स्टूडेंट खरात देना आर्म्स, हैड ही नॉट बीन गिविंग आर्म्स,
कब से नहीं दे रहा था, दो दिन से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फोर टू डेज, हैड ही नॉट बीन गिविंग आर्म्स फॉर टू डेज। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं पास्ट। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की मिक्स एक्सरसाइज के बारे में। इसके अंदर मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सब लिखे हैं। मैं वन बाय वन इनको बनाऊंगा आपके सामने, इससे आपको बेहतर से पता चलेगा किस तरीके से इनको आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, रेल गाड़ियां 15 दिन से लेट नहीं आ रही थी। अब स्टूडेंट सेंटेंस को देखें, इसके लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं लग कर क्या है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे, द ट्रेन्स हैड, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और हैड और बीन के दरमियान क्या आ जाएगा, नॉट, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। द ट्रेन्स हैड नॉट बीन, और ट्रेन का आना अराइव, हैड नॉट बीन अराइविंग, अराइव की आई एन जी फॉर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट, अराइविंग। द ट्रेन्स हैड नॉट बीन अराइविंग लेट, कब से नहीं आ रही, 15 दिन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 4-15 days। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। मजदूर 6 अक्टूबर से कुआं खोद रहे थे। अब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना ही नहीं लग कर के आया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, द लेबरर्स हैड बीन, स्टूडेंट खोदने की इंग्लिश होती है डिग, और डिग की आईएनजी फॉर्म क्या बनती है, डिगिंग। द लेबरर्स हैड बीन डिगिंग द वेल, कब से खोद रहे थे, 6 अक्टूबर से, तो फिक्स टाइम है तो सिंस लगेगा, सिंस द 6th of October। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में इसके फुल स्टॉप आ जाएगा। वो कब से फल बेच रहा था, स्टूडेंट जब भी सेंटेंस में ये आ जाए कब से, तो इसके लिए यूज़ करते हैं सिंस वैन। कौन बेच रहा था, वो एक सिंगुलर नाउन है, सिंस वैन, और उससे पहले क्या लगेगा, हैड, सिंस वैन हैड ही बीन सेलिंग, क्या बेच रहा था, फ्रूट, सिंस वैन हैड ही बीन सेलिंग फ्रूट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी बजा नहीं रहा था। अब स्टूडेंट ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या लग करके आ गया और लास्ट में ही क्वेश्चन मार्क है, तो इसको कैसे बनाएंगे, हैड द पियन, अब ये इंटरोगेटिव भी है और नहीं भी है, इसका मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे, हैड द पियन, पियन के बाद नॉट, हैड द पियन नॉट बीन रिंगिंग, क्या नहीं बजा रहे थे, बेल, रिंगिंग द बेल, कब से, 2 घंटे से, 4-2 hours। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। अब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क आया है और ना ही नहीं लग कर के आया है, और मैंने आपको बताया जब बात वेदर की हो या क्या कहते हैं उसके लिए टाइम की बात की जा रही हो या वेदर की बात की जा रही हो तो उसके लिए प्रोनाउन इट यूज़ करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इट हैड बीन, और स्टूडेंट बूंदाबांदी के लिए ड्रिजलिंग, इट हैड बीन ड्रिजलिंग 4 an hour, 1 घंटे से 4 an hour, इस तरीके से स्टूडेंट आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। तुम्हारे घर बुध से कौन पत्थर फेंक रहा था। अब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें WH फैमिली वर्ड हु आ गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, हु हैड बीन थ्रोइंग, फेंकने की थ्रो तो ing फॉर्म, हु हैड बीन थ्रोइंग स्टोन्स, कहाँ फेंक रहा था, एट योर हाउस, कब से फेंक रहा था, बुध से, तो फिक्स टाइम है तो सिंस वेडनेसडे, तो ऐसे आएगा स्टूडेंट ये, और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या चांद शाम से नहीं चमक रहा था, क्या भी आ गया नहीं भी आ गया, तो कैसे बनाएंगे, हैड द मून
not been shining, had the moon not been shining, कब से? शाम से. फिक्स टाइम है since evening. और लास्ट में स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क. अहमद 5 दिन से खाना नहीं खा रहा था. अब स्टूडेंट अहमद 5 दिन से खाना नहीं खा रहा था तो कैसे बनाएंगे? अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. अहमद हैड नॉट बीन ईटिंग फूड. कब से नहीं खा रहा था? 5 दिन से. तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 4-5 days. और लास्ट में फुल स्टॉप. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं. तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.